প্ৰথম সংবাদ নেটৱৰ্ক এধিনৰ উদ্যোগত দিল্লীত আয়োজন কৰা হৈছে এজেণ্ডা ইণ্ডিয়া অনুষ্ঠান দেশৰ সেনা আৰু শ্বহীদ পৰিয়ালসকলৰ অংশগ্ৰহণেৰে আয়োজন কৰা হৈছে এজেণ্ডা ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত দেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ শাসক বিৰোধীৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হৈছে মত বিনিময় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ লগতে বিজেপি সভাপতি অমিত খাহ এই অনুষ্ঠানৰ সন্মানীয় অতিথি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কপিল চিব্বাল আৰু মনীষ তিৱাৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে এজেণ্ডা ইণ্ডিয়া অনুষ্ঠানত আৰু এই অনুষ্ঠানতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সম্বৰ্ধনা জনায় কেইবাগৰাকীও শ্বহীদ জোৱানৰ মেজৰ ফতেহ সিঙৰ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা জনাই নিৰ্মলা সীতাৰমণে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ দুই জানুৱাৰীত পাঠানকোটত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছিল চুবেদাৰ মেজৰ ফতেহ সিং নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ বিজেপিক সমৰ্থন জনাইছে অসমবাসীয়ে উত্তৰ পূবত বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িব উত্তৰ পূবত বিশ একৈছখন আসন দাখিল কৰিব বিজেপিয়ে দিল্লীত নেট্ৰকেথিনৰ এজেণ্ডা ইণ্ডিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহৰ পশ্চিমবংগত বিজেপিয়ে অধিকাংশ আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় অমিত শ্বাহে इन सीटों में करीब अभी आप पास तीन सीट है और उदिशा कर। तो यहाँ पर, पर भी हम सरकार बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आधे से ज्यादा सीटें जीतेंगे एनडीए अरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर नेडा का हमारा जो गठबंधन है ये लगभग लगभग 20 या 21 सीटें जीतेगा नॉर्थ ईस्ट में आज कांग्रेस की एक भी सरकार नहीं बची सिटीजन अमेंडमेंट्स बिल के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि आप 21 सीट जीतेंगे वहां पर जरूर कोई वहां पब्लिक में उसको लेकर कोई आ... सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद असम के अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव हुए असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण जोर समर्थन करते हुए बहुत बड़ा बहुमत 67% सीट्स असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है जो असेंबली चुनाव से एक बड़ी सफलता तो आप करीब करीब कह रहे हैं कि इन तीन प्रदेशों से आपको 50 सीट तक मिल सकती है। और ये है। करीब -करीब, चालीस का गेन होगा जरूर मिल सकती है पैंतीस चालीस का गेन होगा तो अगर मान लीजिए यूपी में वो कुछ कम भी हुआ तो यहाँ से वो भरेगा यूपी में कम होने का सवाल ही नहीं चौहत्तर तिहत्तर की चौहत्तर होगी मेरे नाम से लिख कर रखना तिहत्तर की बहत्तर राफेल चुक्त लो देश सर्वोच्च न्यायालय राय दिशे चुक्त ने टीन एजेंडा इंडिया राफेल भित्ती पिछले पिछले एक साल से ऑपोजिशन और कांग्रेस आप लोगों को करप्शन पे उसमें भी घेरे में लाना चाह रहा है राफेल डील की बात करते रहते हैं बार बार ये कहते हैं कि नीरव मोदी मल्या और चौकसी कब वापस लेकर आएगी सरकार इसके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए जहां तक राफेल का सवाल है कोई भी आरोप लगे राहुल जी मुझे बताइए ये आरोप सच्चा है या गलत है कोई फॉरम तय करेगा या आरोप लगाने वाले तय कर देंगे कोई फॉरम नहीं करना पड़ेगा और कोर्ट से बड़ा कोई फॉरम नहीं होता जुडिशरी से बड़ा कोई फॉरम नहीं होता देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने इस केस पर सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद एक जजमेंट दिया कि इसमें कोई फेवरेटिजम नहीं हुआ है तकनीक की दृष्टि से बेस्ट फाइटर है और तीसरा ये प्रोसीजर जो रक्षा मंत्रालय का प्रोसीजर होता है रक्षा के साधनों को खरीदने का इसका कोई वायोलेशन नहीं हुआ और कोई जांच की जरूरत नहीं ये चार चीजों को सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी देश की कैगने रिपोर्ट रखने के बाद भी आप अगर इस बात को स्वीकारते नहीं हो तो आप अपनी दुनिया में जी रहे हो और इसका कोई हमारे पास रास्ता नहीं और जहां तक गलत आरोप लगाने का सवाल है मैं विपक्ष के नेताओं को भी एक छोटे से मेरे अनुभव की एडवाइस देना चाहता हूं कि जब आरोप लगते हैं तो व्यक्ति और पार्टी के कैरेक्टर के हिसाब के से वो चिपकते हैं आपकी पार्टी का और आपके परिवार का कैरेक्टर करप्शन का है आप पर तुरंत चिपकेगा मोदी जी पर कोई आरोप नहीं चिपकेगा प्रियंका गांधी राजनीति एंट्री कतुन कथा नह बार बस प्रियंकाय निर्वाचन अंश लैसे एबार राहुल अमेठी जय कठिन हम प्रियंका गांधी लो मंत्र आगे अमित शाह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने प्रियंका जी को भी उतार दिया है तो इस प्रियंका फैक्टर को आप कैसे देखते हैं क्या यह स्वर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए काट काटते प्रियंका वाड्रा जी बारह साल से राजनीति के हैं और हर चुनाव में उनकी एंट्री होती है हर चुनाव में आप प्रियंका जी गाड़ी में बैठी दाय पैर बार रखा अब उन्होंने पानी पिया अब उन्होंने लिपस्टिक लगाया हर चुनाव में आप करते हैं हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नई बात है बारह साल से वो चुनाव में है प्रियंका वाड्रा जी और बारह साल से लगातार आ रही है अभी तेरहवा साल है काउंटिंग के दिन लेना मैं भी चौकीदार हूं बीजेपी प्रचार अभिजान नग्र देशवास अभियान दिलीप नेटवर्क के दिन एजेंडा इंडिया अंश लो बारो बीजेपी सरकार गठन कर अमित शाह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो कैंपेन शुरू किया उसमें कहा मोदी हैं तो मुमकिन है उसके बाद बीच में मैं मैं भी चौकीदार का जो है आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया है जिसको बहुत बड़ा किया है मैं थोड़ा बीच में टोकना जी जी मैं भी चेक की चौकीदार हुए कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है देश की जनता का ओछे शब्दों से प्रधानमंत्री का अपमान करने का जो प्रयास किया इसके सामने एक स्वाभाविक रिएक्शन है ये भारत की जनता का कैंपेन है मैं भी चौकीदार हूं पहले में स्पष्टता करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन नहीं है भारतीय जनता पार्टी से माइलो आगे भारत की जनता है जो प्रधानमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है इस देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करने वालों को दंड देने के लिए भारत की जनता मुस्त होकर खड़ी है और एक कैंपेन जनता में से इमर्ज होकर आया है जिसको बड़े हर्ष और गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया কাশ্মীৰত সন্তাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিদেশী পুঁজি যোগান বন্ধ কৰাত সক্ষম হৈছে মোদী চৰকাৰ মোদীৰ শাসনতে সৰ্বাধিক সন্তাসবাদীৰ মৃত্যু হৈছে পাকিস্তানত কৰা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক ভাৰতৰ বৃহৎ বিজয় সমগ্ৰ বিশ্বই ভাৰতক সমৰ্থন জনাইছে দিল্লীত নেটৱৰ্ক এটিনৰ এজেণ্ডা ইণ্ডিয়াত অংশ লৈ এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মোদী চৰকাৰ নতংকবাদ লজৰিয়ে বদল पहले लड़ाई भारत की भूमि पर होती थी जब वो घुसते थे तब हम रोकने का प्रयास करते थे कुछ वो मरते थे कुछ हमारे जवान शहीद होते थे अब हरेक घटना के बाद उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सक जाता है और जहां से आतंकवाद शुरू होता है वहीं मर्म स्थान पर चोट करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ये अप्रोच का जो अंतर है मैं मानता हूं यही इसका समाधान है हम किसी की सोच नहीं बदल सकते क्योंकि ये सोच जहां पनपती है वहां हिंदुस्तान का संविधान के दायरे में नहीं मगर जहां पर पनपती है वहां आपने आत्मरक्षा की अधिकार का उपयोग करते हुए हम उस पर चोट जरूर कर सकते हैं और ये करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो इसी का द्योतक है कि अब किसी को बक्सा नहीं जाएगा अगर भारत की सीमाओं की आपने सम्मान नहीं किया भारत के जवानों की सुरक्षा के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया तो आपको उसका जवाब मिले

भारत का रवैया क्या रहेगा चाइना की तरफ पहले इस बात पर स्पष्टता होनी चाहिए चाइना को विटो क्यों मिला वीटो का अधिकार 50 के दशक में हिंदुस्तान को मिलने वाला था संबंध सुधारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक थाली में गिफ्ट कर वीटो का अधिकार चाइना को दे दिया जो आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा तो ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं अपनी चौथी पीढ़ी में जरा जाकर देखिए कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है चाहे कश्मीर की हो चाहे चीन के विटो की हो सारी प्रॉब्लम चार पीढ़ी पहले आपके परिवार से ही शुरू हुई और जहां तक सवाल भारत का सरकार की आज की नीति का है चीन भी अलग धलग पड़ा है अकेला पड़ा है इस मुद्दे पर दुनिया के सारे देश भारत के साथ सिंपति भी रखते हैं इसका समर्थन भी करते हैं मैं मानता हूं आगे इसी तरह से चलता रहा तो कभी ना कभी चीन ने भी हमारा साथ देना पड़ेगा चाइना के लिए एक सवाल और एक इस तरह का भावना एक इस तरह का माहौल भी देश में बन रहा है कि चाइनीज गुड्स को बैन किया जाए चाइनीज बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आज हमारे देश में है उसके ऊपर उसके ऊपर भी लोग जो है उंगली उठा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप इस पर देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर कुछ ट्रीटीज होती हैं और वो ट्रीटी को एक तरफा हम भंग नहीं कर सकते इस पर विचार जरूर हो रहा होगा और मैं मानता हूं कि अभी तो चुनाव के माहौल में कुछ हो नहीं सकता मगर भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय इस पर जरूर विचार कर रहा हो আঁচনি ললেই নহব কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দৃঢ় শক্তি লাগে ৰাহুলৰ বাসত্তৰ হাজাৰ টকীয়া আঁচনিক লৈ এই মন্তব্য অমিত খাহৰ কংগ্ৰেছৰ পাঁচটা প্ৰজন্মৰ গৰীবী হাতৰ শ্লোগান পঁচপন্ন বছৰৰ কিয় দৰিদ্ৰতা দূৰ নহল বুলি প্ৰশ্ন কৰে অমিত খাহে মোদীৰ নেতৃত্বত দেশৰ পঞ্চাছ কোটি দৰিদ্ৰৰ উন্নতি হোৱা বুলি নেটৱৰ্ক এইটিনৰ এজেণ্ডা ইণ্ডিয়াত কয় খাহে कांग्रेस ने अब एक एक नई स्कीम निकाली है जिसके बारे में वो लोग बहुत बात कर रहे हैं न्यूनतम आय की स्कीम कह रहे हैं कि 20 प्रतिशत जो सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं उनको जो है सालाना बहत्तर हजार रुपये दिया जाएगा आ, इस स्कीम के बारे में बहुत बात चर्चा चल रही है कुछ लोग पॉलिटिकल एनालिस को एक मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं देखिये स्कीमों की कोई कमी नहीं है इसमें सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है जवाहरलाल नेहरू जी ने गरीबी हटाने के लिए नारा दिया था इंदिरा जी ने दिया राजीव जी ने दिया सोनिया जी ने दिया अब राहुल जी दे रहे हैं। तो पांच पीढ़ी से क्या हो रहा है पचपन साल तक शासन में रहे हमें गरीब क्यों छोड़ कर गए हुई हमारे लिए मोदी जी ने पचास करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने का काम किया है आज पचास करोड़ गरीबों के घर में दुर्भाग्यवश कोई भी बीमारी आ जाती है तो आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख तक का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और ये इंश्योरेंस नहीं है बस आपको जाकर कार्ड देना है अपना स्वास्थ्य लाभ कर अस्पताल से घर जाना है ये काम नहीं कर सकते देश की जनता जानती है नारों से कुछ नहीं होता योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए दमखम होना चाहिए जो हमारे नेता नरेंद्र मोदी में है और इसीलिए देश की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है इन्होंने फॉर्मर आरबी इसकी पुष्टि करवा ली है कह रहे हैं आराम से इंप्लीमेंट हो सकता है 3.6 लाख करोड़ रुपए लाना कौन सी बड़ी बात है क्या आप मानते हैं कि हो सकता है और इस पर एक और लार्जर सवाल तो दस साल क्यों नहीं लाए आज ही क्यों सूझा आपको दस साल तो शासन में थे आप इतने पावरफुल थे कि कैबिनेट के प्रस्ताव को आप सार्वजनिक रूप से फाट देते थे कोई कम पावर था क्या आप जरा ट्राई कर कर देखो कल को पूरी धर ले जाए आपको इतने पावरफुल थे भाई तो अब तक क्यों नहीं लाए समय इस ऐसा है इलेक्शन एयर स्ट्राइक के बाद वो चिंता में पड़ गए हैं सुरक्षा के मामले में स्पष्ट स्टैंड नहीं ले सकते उनकी वोट बैंक हट हो रही इसलिए देश की सुरक्षा के प्रति वो कमिटमेंट नहीं दे सकते उनको लगता है देश की जनता अब जान गई है तब इस प्रकार की योजनाएं अभी और भी लेकर आएंगे थोड़ा राधे को आप लोगों का तो अच्छा समय आ गया है अभी <laughs> বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তানৰ খেলখনৰ বাবে ৰমেশহৰ মন্তব্য এই বিষয়টো বিৰেখ মন্ত্ৰালয় আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰা উচিত ইতিমেনে ভাৰতৰ বিৰেখ মন্ত্ৰালয় এই খেলৰবা চিন্তা চৰচা আৰম্ভ কৰা বুলি তেওক কয় আপ ক্রিকেট বৰ্ড গুজৰাট মে আপ ওহা কে প্রেসিডেন্ট ভি হে তমে এক सवाल ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान को इंडिया को पाकिस्तान के संग वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं देखिए इस पर भारत के विदेश विभाग ने निर्णय लेना चाहिए और विदेश विभाग के निर्णय को सबने मानना चाहिए अपनी अपनी टिप्पणियां देकर विदेश विभाग को और साइड पर कंपेल करे बगैर भारत के विदेश विभाग अपनी विदेश नीति के आधार पर समुचित निर्णय करे और पूरे देश ने एक वाक्यता के साथ इसको स्वीकार करना चाहिए पर लोगों की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए तो इसका ख्याल विदेश विभाग भी तो करेगा जी